गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, बबीता परमार वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल फिजिक्स की आवाज़, प्रोवाइडिंग यू फिजिक्स इजी नोट्स। बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज यूनिट 4 चैप्टर नंबर 6, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो अब बात करते हैं वर्क की। तो जैसे अगर मान लीजिए आप पूरा दिन बैठ के, आपके टीचर्स ने काम दिया हुआ है और सब बच्चे बैठ के अपने नोट्स बना रहे हैं टेबल चेयर पे बैठ के, ठीक है, तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि आप अपनी जगह से हिले ही नहीं। तो फिजिक्स कहती है कि जब कोई बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है और वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट इसमें आएगा, तो हम कहेंगे कि वर्क किया हुआ है। तो ये जो आप सुबह से लेके शाम तक सारे व्हाट्सएप पे से अपना सारा काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिजिक्स तो बोल रही है कि भी आप लोग काम ही नहीं करते। तो जितना ज़्यादा वो बॉडी को अपनी जगह से क्या होना है, डिस्प्लेस होना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई वर्क कर रहा है, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो जितना ज़्यादा मोर द वर्क, जितना ज़्यादा काम होगा उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ऐसा बोला है। इसलिए एनर्जी जो है उसको हम जब डिफाइन करते हैं, वी से इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं ऐसे इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। वर्क बोला, सबसे पहले वर्क को क्या बोला, वर्क इज सेड टू बी डन When the applied force displaces the body, बॉडी को क्या करनी चाहिए, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस करनी चाहिए। और जितना ज़्यादा काम उतनी ज़्यादा कौन, एनर्जी, यानी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। और किस पर सेकेंड कितना काम वर्क किया जा रहा है उसको बोल देते हैं पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये सारी चीज़ें देखो वर्क से ही चलनी है, हमने स्टार्ट करनी। तो आज अभी शुरू करेंगे हम वर्क को। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया है उन्होंने, व्हाट इज वर्क, डिफाइन इट्स ग्रेविटेशनल यूनिट एंड एब्सोल्यूट यूनिट इन CGS एंड SI सिस्टम, दोनों सिस्टम में हमने इसकी। अगर सिंपल वर्क भी दिया, कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देते, व्हाट इज वर्क, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वर्क्स विद टू एग्जांपल्स, कई बार एग्जांपल का वो इस्तेमाल ही नहीं करते। बट आपको फिजिक्स में, अब आप बड़े हो चुके हो, जब भी फिजिक्स में कोई डेफिनेशन दी जाती है आपको वो डिफाइन करनी है, आपको बताना है वो किस तरह की क्वांटिटी है, उसकी यूनिट्स क्या है, उसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या है। और अगर जैसे इनर्शिया में हमने एग्जांपल्स दिए थे सारी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना, जब इनर्शिया पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, उसी तरह जब वर्क को भी पढ़ेंगे तो वर्क में भी हम एग्जांपल्स देंगे हर चीज़ के। तो वो स्पेसिफाई नहीं भी होता है, तब भी अगर आपको उसके कुछ एग्जांपल पता है तो ज़रूर कोट करें, उससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। सो वर्क को क्या बोलेंगे, वर्क इज सेड टू बी डन, सबसे पहले डेफिनेशन दी, पूछी है इन्होंने। सो विल राइट दैट वर्क इज सेड टू बी डन when a force applied on a body displace the body from its पोजीशन, ठीक है ना। अगर मान लो आप फोर्स लग रहा है, अभी जस्ट जनरल लेते हैं कि अब जरूरी थोड़ी है ना कि सीधा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है फोर्स उसी डायरेक्शन, फोर्स तो कहीं को भी लग सकती है। जैसे मान लीजिए इफ दिस इज अ बॉडी, ठीक है, और इसको जो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैंने ऐसे रखा है, आई इधर इसको मैं फोर्स ऐसे खींच रही हूँ, दिस इज द डायरेक्शन इन विच, तो ये बॉडी ऊपर को थोड़ी ना उठ के जाएगी, जैसे आपकी ट्रॉली वाले बैग्स वगैरह भी होते हैं। तो ये बॉडी कहाँ को डिस्प्लेस हो रही है, इट गोज लाइक सम कुछ टाइम के बाद, मान लीजिए बॉडी यहाँ पहुँच गई, ठीक है, बी पोजीशन पे, ये इनिशियल पोजीशन है, ये बी फाइनल पोजीशन इसकी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक का जो इसका सफ़र है वो अपनी जगह से सेंटर ऑफ मास से ले रहे हैं, दिस एस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एफ जो है फोर्स अप्लाइड है,
और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, दिस एंगल विद दिस फोर्स इज मेकिंग इज थीटा। तो ए जो है इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, बी इज फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, एफ इज फोर्स अप्लाइड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ड्यू टू फोर्स। ये बॉडी की जो है डिस्प्लेसमेंट हो जा रही है। अब क्या करेंगे, अब यहां हो रही तो ये फोर्स को देखो, आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर निकाल दिया सिलेबस में से, लेकिन अगर आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करना ही नहीं आएगा तो आप ये वाली चीज कैसे करोगे, रिजोल्व कैसे करोगे? तो वो जो टॉपिक है आपको एग्जाम में डायरेक्ट उसका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में उसका बहुत ज्यादा यूज है, तो उस वाले चैप्टर को पढ़ना जरूर है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। फाइनल एग्जाम के दिन आप उसको रीड मत, उसको मत रीड करना, लेकिन इसको याद नहीं करके जाना, बिल्कुल रट्टा नहीं मार के जाओ, समझने के तो बहुत जरूरी है। तो देखो ये फोर्स एफ है, इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, दो कंपोनेंट्स में आपको बताया था मैंने, ये इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे से, और जिसके ऊपर बच्चे एंगल बना होता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, बेस के साथ आता है कॉस थीटा, इसलिए इधर को कॉस थीटा होगी और यहाँ पर एफ साइन थीटा। ये सबको याद है, शुरुआत से ही बता रही हूँ, जब इसको रिजॉल्व कर रहे हैं थीटा एंगल, जिस भी साइड के ऊपर थीटा एंगल बनता है उसके साथ कौन आ जाता है, कॉस थीटा, दूसरे के साथ हो जाता है साइन थीटा। सो दिस इज द, ये सारी चीजें आपकी हुई। तो दिस फोर्स इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है इसका, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, दैट मीन्स एफ कॉस थीटा जो है वो डिस्प्लेसमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वर्क में ये कंपोनेंट को हम लेंगे, ठीक है। नाउ द फोर्स F vector can be resolved into two components, F sine theta vertical direction, F cos theta horizontal direction, contributing to the work done as body is displaced in horizontal direction. Therefore, work कितना हो जाएगा, work will be equal to F cos theta into the displacement S. F cos theta है, this can be written as F, force आपका vector quantity है, this can be written as F dot S vector, क्योंकि cos theta आ गया, dot product है, और क्योंकि this work is the dot product, it's a dot product, dot product को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, scalar product। ये भी आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। सो दिस डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये वर्क किस तरह की क्वांटिटी हो गई है, ये स्केलर क्वांटिटी है। सो डॉट प्रोडक्ट, दिस इंप्लाइज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये जो है आपका वर्क है, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इट, इसमें हमने ये ले लिया, इट्स स्केलर है, और इसमें हमेशा ध्यान रखना है बच्चे कि हम कौन से फोर्स के कंपोनेंट को लेते हैं,
the component which is in the direction of the displacement. ये तो सिंपल भी वर्क की डेफिनेशन. अब इन्होंने क्योंकि अब अगर सिंपल ये भी पूछा था तो आपको ये क्वेश्चन में ये लिखने के बाद आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा इस ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे. हमेशा डायमेंशनल फार्मूला रटने नहीं है बच्चे, आपको फार्मूला रिलेशन पता है तो आप डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं. सो डायमेंशनल फार्मूला जिन बच्चों ने नहीं की लेक्चर लगाए हैं वो शुरू के फर्स्ट यूनिट में हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ चुके हैं. आप उस चैनल पे जाके यूनिट वन प्लेलिस्ट में चेक करिए, प्लेलिस्ट में प्लस वन यूनिट वन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी. इन चैप्टर टू वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. अभी फिर भी करेंगे दोबारा. सो वो डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो क्या बताया था तब मैंने आपको, आपको ये पता होना चाहिए फार्मूला क्या है. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. वैसे तो आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक. और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट. देन मास के लिए आ गया एम, एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गया एल. सो दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया फॉर वर्क. तो ये डायमेंशनल फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है. और क्योंकि एफ साइन थीटा जो कंपोनेंट है दो इसमें रिजॉल्व हमने ज़रूर किया है इसको, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये ऊपर इट्स नॉट कंट्रीब्यूटिंग फॉर द इट्स नॉट डिस्प्लेस जो डिस्प्लेसमेंट और बॉडी जो है डिस्प्लेस कहाँ हो रही है हॉरिजॉन्टल. सो दिस इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग फॉर द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नॉट कंट्रीब्यूटिंग फॉर मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना. इसमें से कोई रोल नहीं है. कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एफ कॉस थीटा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है. ये तो बात हुई बच्चे इसके वर्क की, डायमेंशनल फार्मूला हो गया, यूनिट हो गया. अब आते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट क्वेश्चन के, दैट इज यूनिट्स ऑफ वर्क. यूनिट्स ऑफ वर्क, अगर तो इन्होंने क्वेश्चन में डिफाइन ये नहीं कहा होता कि उसको आप डिफाइन भी करो तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे एसआई में जूल बोलते हैं, सीजीएस में इसको जो है अर्ग बोलते हैं, ख़त्म. लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरह से स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको इसकी ये यूनिट्स जो हैं वो डिफाइन करनी है, तो पहले हम एब्सोल्यूट यूनिट्स देखते हैं इसकी, ठीक है. सो एब्सोल्यूट यूनिट, यूनिट्स ऑफ वर्क. सो वर्क जो है वन एब्सोल्यूट यूनिट कहेंगे अगर वन एब्सोल्यूट फोर्स डिस्प्लेस करता है, वर्क इज सेड टू हैव वन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क. ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो एब्सोल्यूट यूनिट, वन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस बाय अ यूनिट डिस्टेंस. सो इफ वन यूनिट किस चीज की, इफ इफ यूनिट एब्सोल्यूट फोर्स कहना चाहिए, इफ यूनिट एब्सोल्यूट फोर्स, जो एब्सोल्यूट फोर्स है कितना क्या होता था तुम्हारा एब्सोल्यूट फोर्स जो है डिस्प्लेस द बॉडी बाय यूनिट डिस्टेंस, ठीक है. सो एब्सोल्यूट यूनिट, अगर इफ यूनिट एब्सोल्यूट फोर्स जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है बॉडी को यूनिट डिस्टेंस से, और वो भी कहाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं. अब इसके दो पार्ट्स हम देखेंगे, पहला सीजीएस सिस्टम में क्या है इसका, ठीक है. सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट है दैट इज
याद रखेंगे ये सिंपल। अगर अगर बात करते हैं ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया होता उन्होंने कि एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल, तो हम सिंपल एब्सोल्यूट को ही बात लेके चलते हैं, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल वर्ड उन्होंने यूज़ कर दिया तो हमें फिर अलग से करना पड़ा। एब्सोल्यूट में ये अर्ग जो है ये है, तो वर्क इज इक्वल टू हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहीं से डेफिनेशन निकालेंगे कि जो वर्क है उसको कहेंगे वन अर्ग। अगर ये अर्ग है सी जी एस में है तो फोर्स में कौन होता था डैन, डिस्प्लेसमेंट याद होता था सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे वर्क जो है वन अर्ग होगा अगर वन डायन का फोर्स बॉडी को डिस्प्लेस करता है वन सेंटीमीटर से, ठीक है। सो वन अर्ग, तो दिस अर्ग इज इक्वल टू क्या होता है, दिस डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। सो वर्क इज अर्ग, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स किस में हो जाएगा डायन, और ये डिस्प्लेसमेंट किस में हो जाएगा सेंटीमीटर में। सो दिस आई कैन से दैट यहां से दैट वर्क इज सेड टू बी वन अर्ग इफ वन डाइन फोर्स मूव्स द बॉडी बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं बी, दैट इज अगर एस आई सिस्टम की बात की जाती है। एस आई सिस्टम में इसको आप कहते हैं जूल। सो जूल हम बोलेंगे इसको, सिंबल कैपिटल जे। तो अब फिर उसी तरह क्या हो जाएगा, वर्क की जगह पे यहाँ से आ जाएगा आपका जूल इज इक्वल टू फोर्स की जगह आ जाएगा वन जूल इज इक्वल टू, यहाँ भी वन वर्ड लगा लेते हैं कोई ना, वन डाइन वन सेंटीमीटर। वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन हो जाएगा फोर्स का इनटू डिस्प्लेसमेंट का, वन मीटर हो जाएगा। सो वर्क इज सेड टू बी वन जूल इफ वन न्यूटन फोर्स moves the body through through 1 meter distance in the direction of force, वन बॉडी बाय वन सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये सारी चीज़ें रटनी नहीं है हमने, हमें यहीं से फॉर्मूला पता है, हम यहीं से डिफाइन आउट कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि अर्ग जो है इसकी सी जी एस यूनिट है दैट इज डाइन सेंटीमीटर, जूल जो है इसकी एस आई यूनिट है एंड दैट इज न्यूटन मीटर। अब इन दोनों में एक रिलेशन भी हमने डायमेंशनल एनालिसिस के वक्त किया हुआ था, दैट ये आप याद रखोगे। वन जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग। अगर इसमें कर देते हैं अर्ग में कर देते हैं तो वन अर्ग इज इक्वल टू 10^-7 जूल हो जाएगा। दिस इज वॉट आपको याद होगा न्यूटन में कितना था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन्स था, ये 10^7 अर्ग्स है। ओके, ये तो बात हुई एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क। अब देखते हैं हम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। अगर ये पूछ ली जाती है आपसे एग्जाम में कि ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है, तो यहाँ जैसे कि वर्क इज सेड टू बी वन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इफ यूनिट एब्सोल्यूट फोर्स डिस्प्लेस द बॉडी, तो अब क्या हो जाएगा, वर्क इज सेड टू बी वन ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। यहाँ लिखा था इफ यूनिट एब्सोल्यूट फोर्स है, वहां पर आपका क्या आ जाएगा, यूनिट ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ध्यान रखना है, जब एब्सोल्यूट की बात की तो उन्होंने क्या बोला, यूनिट एब्सोल्यूट फोर्स बोला, जब ग्रेविटेशनल की आएगी तो बोलोगे यूनिट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो
वर्क इज सेड टू बी, वर्क इज सेड टू हैव वन ग्रेविटेशनल यूनिट इफ बिल्कुल वैसे ही लिखूंगी मैं, यूनिट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेस द बॉडी बाय यूनिट डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हमको ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है। याद है आपको हमने ग्रेविटेशनल यूनिट भी पढ़ी थी। अब इसकी बात आती है, अब इसको आप इसके भी दो पार्ट करोगे, ए हो जाएगा आपका सी जी एस, ए इज योर सी जी एस। तो सी जी एस में जब आप बात करेंगे तो आप इसको बोलोगे वर्क होता क्या, मैं बाद में लिखती हूँ पर पहले यहाँ लिख देती हूँ। वर्क हमने पढ़ा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स के लिए क्या बोल दिया इन्होंने, दैट वॉज ग्रेविटेशनल यूनिट, है ना, यूनिट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें वो कितना हो जाता था, दैट वॉज हम ग्राम वेट या ग्राम फोर्स लेते थे, है ना। सो और ये तो सेंटीमीटर में ही रहने वाला है। तो इसकी जो सी जी एस यूनिट ग्रेविटेशनल यूनिट जो होगी वर्क की, दैट विल बी ग्राम सेंटीमीटर करके लेंगे, ठीक है। सो दिस इज ग्राम सेंटीमीटर, दिस इज ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू फोर्स में कितना हो जाएगा, दैट विल बी वन ग्राम वेट इंटू वन सेंटीमीटर। आप इसको क्या बोलोगे, दैट वन ग्राम वेट वर्क इज, सी जी एस यूनिट निकालना है तो आप बोलेंगे कि वर्क डन विल बी वन ग्राम सेंटीमीटर इफ वन ग्राम वेट ऑफ फोर्स डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू वन सेंटीमीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन या इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो वर्क इज सेड टू बी 1 gram centimeter if a force of 1 gram weight displaces the body through 1 centimeter in its direction, जिस direction में force है ऐसे, तो हम उसको बोलेंगे क्या, this has become 1 gram सेंटीमीटर। सो अब ये ध्यान रखना है, 1 gram सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 gram वेट, और 1 gram वेट कितना होता है, 980 डाइन होता है, राइट। सो यहां से एक चीज याद रखोगे, 1 gram वेट इज इक्वल टू, सॉरी 1 gram सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 gram वेट लिखा है हमने into 1 centimeter, further 1 gram weight can be written as 980 dyne into 1 centimeter, or you can say this is equal to dyne centimeter क्या हो जाएगा, 980 erg। तो ये याद रखना है, 1 gram centimeter जो है वो 980 ergs होता है, ठीक है। अब आती है बारी किसकी, आपके SI, SI में अगर आप जाएंगे, SI सिस्टम में इसको जाओगे तो आप इसको किलोग्राम मीटर में याद रखेंगे, दिस इज किलोग्राम मीटर। सो 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 1, फोर्स की जगह पे क्या जाएगा, केजी वेट इनटू 1 meter। के जी वेट कितना होता है, 9.8,
है ना, जैसे वो 1 ग्राम वेट इज 989, ये 9.8 न्यूटन इंटू मीटर. सो वॉट इज न्यूटन मीटर? दैट इज इक्वल टू योर 9.8 न्यूटन मीटर, फोर्स एंड डिस्टेंस. तो ये आ गया आपका जूल. तो ये आपको याद रखना है, 1 kg मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल. अगर आपको मैं थोड़ा सा याद वापस लेके चलती हूँ, जो हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़े थे, तो लिफ्ट वाली जो एप्लीकेशन थी उसमें आपका ऐसे लिफ्ट लिया था, हमने कहा था कि एक आदमी खड़ा है और ये लिफ्ट ऊपर को जा रही है. मान लीजिए ये लिफ्ट जा रही है 5 m/s² की एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है. इसका वज़न 30 kg है, 30 kg है. और आपसे पूछा था कि जब ये लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट हो रही है तो इसका वज़न क्या होगा. तो हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था. हमने कहा कि ये बॉडी है, इसका नीचे की तरफ को वेट जाएगा 30 g, 30 kg का है, तो 30 g नीचे गया और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हुआ और ये एक्सेलरेट भी ऊपर की तरफ को कर रही है. ऐसे यही हुआ फ्री बॉडी डायग्राम. फिर हम बोलते थे कि अगर फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हम बोलते थे न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से एफ नेट जो होता है, दैट इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर. तो बॉडी यहाँ को जा रही है यानी ये डोमिनेट कर रहा है, आर इज डोमिनेटिंग. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, आर माइनस 30 g इज इक्वल टू 30 a. फिर उसके बाद उधर चला जाएगा तो R इज इक्वल टू 30 a प्लस 30 g किया था हमने. सो 30 a प्लस g. एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 5. तो हम इसको ऐसे किया था 30 × 5 प्लस g को अगर हम 10 ले लेते हैं तो 30 × 15 कितना हो जाता है 450 न्यूटन R इज देयर. जबकि हमसे क्या पूछा था, इसका वजन कितना है. तो हमको मालूम वज़न केजी वेट में हमने बताना है. तो हमें मालूम है कि 1 kg वेट जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 9.8 न्यूटन. ऐसा होता है, यहाँ कितना आ रहा है 450 न्यूटन. तो अब हमको इसका वज़न बताना था, दिस इज़ नॉर्मल. सो एपरेंट वेट जो होगा, क्योंकि एपरेंट वेट कुछ याद आ रहा है, एपरेंट वेट वॉज इक्वल टू वॉट, जो आर की वैल्यू होती है जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसी के बराबर होता है. दिस एपरेंट वेट इज दिस आर. सो दिस इज इक्वल टू वॉट 450 डिवाइडेड बाय 9.8 kg वेट. उसको डिवाइड करके फिर आंसर रिपोर्ट कर रहा है. ऐसे नहीं कि इधर छोड़ दिया 450 न्यूटन और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना. वे के जी वेट में हमें बताना है उसका, तो हमें पता है 1 kg, यहाँ रीजन देना पड़ेगा 1 kg वेट इज इक्वल टू 9. तो इसमें आप ये याद रखना है कि ग्रेविटेशनल यूनिट की बात जब करते हैं तो सी जी फोर्स वाले केस में, फोर्स वाले केस में जो है एस आई की बात होगी सी जी एस की बात होगी, उसी तरह वर्क में भी एस आई की बात होगी सी जी एस. मैं किसकी बात कर रही हूँ, ग्रेविटेशनल की. तो एस आई में आप ये दिस आपने याद रखना है, दैट इज 1 kg वेट विच इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, और दिस वॉज 1 ग्राम वेट विच वॉज इक्वल टू 980 dm. ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल फिट रहनी चाहिए. दूसरे इस वाले केस में SI में इसको आप बोलोगे 1 kg सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 9.8 जूल. मुश्किल नहीं है, ये न्यूटन में होता है नॉर्मल, इसमें एब्सोल्यूट 9.8 है. यहाँ भी ना, यहाँ ग्रेविटेशन वाली वैल्यू इंट्रोड्यूस कर दी, और इस वाले में इट वाज 1 ग्राम सेंटीमीटर, तो उसके लिए क्या आ गया 980 erg. तो ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखनी है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी. क्लियर है ये? तो चलो ये मैंने रफ में बता दिया आपको. बस अगर एग्जाम में आता है तो आपको इतना तो इसको लिखना पड़ेगा. ये वाला क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है इस तरह से दे सकते हैं कि व्हाट इज वर्क एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वर्क. अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आता है तो फिर से आप कॉपी में, मैं नहीं यहाँ कर रही हूँ, लेकिन आप वर्क लिख के इसको डिफाइन करेंगे दोबारा से, ठीक है. आपने डिफाइन करना है. जब आपने डिफाइन करना है तो इसमें आपने इसकी यूनिट, ये कैसी क्वांटिटी है आपको बताना पड़ेगा, कैसी है, स्केलर है, उसके बाद
आपको इसकी यूनिट बतानी पड़ेगी सीधा, ऑग्ज एंड जूल, एस आई, इसमें दोनों में एस आई एंड सी जी एस, ऐसे मेरे पास जाना ग्रेविटेशन में, ये एब्सोल्यूट सिंपल आपने इस वाले पोर्शन पे सिर्फ इसकी बोल देना है सी जी एस में अर्ग है और एस आई में जूल है, ठीक है। ये हो गया, फिर आपको इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ये आप करेंगे अपने आप, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ वर्क में, ये इतना लिखने के बाद क्वेश्चन में लिखना है आपने, ठीक है। मैं दोबारा से सेम चीज तो लिखूंगी नहीं, पर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब इसमें टाइप्स ऑफ वर्क की बात आती है, अब इसको समझने के लिए मैं तुमको पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। देखो अब क्या है, किसने वर्क किया, फोर्स ने वर्क किया, राइट। अब अभी हमने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में या न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे केसेस के कि फोर्स अप्लाई हुआ, बॉडी वहाँ से वहाँ को डिस्प्लेस हो गई, दिस इज अ बॉडी, यहाँ को फोर्स लग रहा है इधर, इसके ऊपर कोई भी बॉडी है यहाँ रखी हुई तो उसके ऊपर कितने फोर्सेज लगते थे, एक ये नॉर्मल रिएक्शन लगता था, ये इसका वजन लगता था नीचे की तरफ को, इस तरफ को हम बोलते थे फ्रिक्शनल फोर्स है जो इन दोनों के सर्फेस के बीच में, सर्फेस के साथ है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो अब इधर पर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ये मान लीजिए ये बॉडी यहाँ से यहाँ को डिस्प्लेस भी होगी, ये बॉडी यहाँ आ गई, लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ पूछती हूँ कि वर्क डन बाय द फोर्स, ये फोर्स ने कितना काम किया, तो ये फोर्स भी इधर को लग रहा है, बॉडी भी इधर को डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। तो इधर पे अगर आप एंगल देखें दोनों के बीच में, हमें मालूम है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, तो पहले केस में मैं बता रही हूँ वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो एंगल कितना है, इधर ही ये डिस्प्लेस हो रहा है, इधर ही ये डिस्प्लेस हो रहा है, वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री, सो इट इज सिंपल एफ इंटू एस का। अगर मैं बात करती हूँ फ्रिक्शनल फोर्स की, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ को है, बॉडी डिस्प्लेस इस तरफ को हो रही है, तो देन द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एफ एस कॉस 180 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस एफ एस। तो यहाँ देखो इसी बॉडी के ऊपर काम हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि कौन है, इन्होंने तो बोला था कि अगर फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो वर्क इज डन, तो किस फोर्स के द्वारा, एक ही केस है यहाँ, इस फोर्स के साथ द्वारा बोलोगे तो पॉजिटिव वर्क है, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा बोलोगे तो वो नेगेटिव वर्क है। अगर नॉर्मल रिएक्शन या उसके वेट के कारण कितना वर्क कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो अब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है, तो वहां पे वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन की बात करोगे तो आप लिखोगे एफ एस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो एक ही सिचुएशन में आप किस फोर्स की बात कर रहे हैं, उस फोर्स के कारण क्या काम होगा, तो वो देखो इसी पर्टिकुलर केस में आपके कभी वो पॉजिटिव दे रहा है, कभी वो नेगेटिव दे रहा है, कभी वो जीरो दे रहा है। और अगर एक और केस आ जाता है कि दिस फोर्स यहाँ जो आप लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अगर ग्रेटर हो जाता है कहीं इससे जो अप्लाइड फोर्स है, तो बॉडी तो रेस्ट में हो जानी थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना, लॉ ऑफ फ्रिक्शंस में किनेमैटिकल्स जब करते थे तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो वर्क नहीं होगा वहाँ पे, यानी कि बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हुई है। सो एवरीवेयर ये ये एक सिंपल एक डायग्राम से हमारे दिमाग में आ गया कि वर्क कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, जीरो के लिए दो कंडीशंस हैं, एक 90 डिग्री है या फिर वो रेस्ट पर है, तो वर्क जीरो हो जाएगा, हिली नहीं बॉडी वहाँ से। सो इज दैट क्लियर। तो अब हमने जो टाइप पढ़नी है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क के केसेस देखेंगे, ठीक है। तो आप हम सबसे पहले लेंगे पॉजिटिव वर्क। सो पॉजिटिव वर्क की बात आती है तो पॉजिटिव वर्क के एग्जाम्पल्स भी बड़े सारे अभी लेने पड़ेंगे। नाउ पहला हेडिंग डालते हैं पॉजिटिव वर्क, तो ये हो जाएगा इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, इफ द बॉडी डिस्प्लेस्ड, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन
वर्क डन इज पॉजिटिव, दैट इज फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 degree वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव, है ना. W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 विच इज इक्वल टू एफ एस. तो आपने ये याद रखना है कि वर्क का जब भी सेम डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट, हम उसको सीधा लिख सकते हैं कि दिस इज एफ एस, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे और ये पॉजिटिव वर्क है. हो गया. अब एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या क्या है. अब मान लीजिए अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें. नंबर वन, इफ वी थ्रो अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन वर्क डन बाय अस, दैट इज द अप्लाइड फोर्स, हमने फोर्स लगाया, विल बी पॉजिटिव बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज सेम, विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 degree एंड वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 degree इज इक्वल टू सिंपल एफ एस. पॉजिटिव दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं तो दिस इज एक एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है. देन लॉन रोलर को आप खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, अगर आप धक्का दे रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में धक्का दोगे उसी डायरेक्शन में वो जाएगा, है ना. तो आपको ये एग्जाम्पल्स थोड़े से जो डेली लाइफ से रिलेटेड है वो लिखने हैं आपने. या सेकेंड एग्जाम्पल दे देते हैं, हम दो दो एग्जाम्पल सभी के दे देंगे. दैट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट is same to the direction of force applied during pushing or pulling a lawn roller. आप ये लॉन रोलर को जब भी आप पुश कर रहे हो तो धक्का दोगे तो जिस डायरेक्शन धक्का खींचोगे तो जिस तरफ को खींचोगे उसी तरफ को जाता है. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग पुशिंग और पुलिंग द लॉन रोलर, देयरफॉर वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ठीक है. कोई चीज़ जैसे स्प्रिंग को खींच के पोजीशन पे ला रहे हैं तभी स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जहाँ को आप स्प्रिंग को स्प्रिंग मास सिस्टम को खींचोगे तो इस तरफ को मैं खींच रही हूँ स्प्रिंग को, यहाँ से रिजिड सपोर्ट से लगा मैंने इसे खींच दिया तो जो इस डायरेक्शन में मैं इसको खींच रही हूँ और इसी डायरेक्शन में वो स्प्रिंग जो है डिस्प्लेस हो रही है, तो स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग भी जो है पॉजिटिव वर्क का ही वो है एग्जाम्पल, ठीक है. ना सेकेंड ले लेते हैं, हम दो ही एग्जाम्पल्स देंगे, ज़्यादा की ज़रूरत है, पर आपको बुक में से आपने पढ़ने हैं कुछ जितने आप पढ़ सकते हो, मैंने जो बोले वही मेन है. नाउ देन वी गो टू सेकेंड पार्ट, दैट इज़ 0, पहले तो 0 था, अब फिर 90 तक पहुँचते हैं, फिर 90 से आगे जाएंगे. तो विल गो फॉर द सेकेंड इज 0 वर्क. अब 0 वर्क कब बोलेंगे, या तो बॉडी डिस्प्लेस ही ना हो, इफ द बॉडी इज़ नॉट डिस्प्लेस्ड, और it the force applied causing the displacement is at 90 degree, jo bhi force hai jiske karan hum work calculate kar rahe hain it is at 90 degree. So here you'll write as work is said to be 0
इफ ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ईदर बॉडी इज नॉट displaced or the angle between force and displacement is 90 degree. Now here is, see, W is equal to F S cos theta hota hai. If S is equal to 0, W is equal to 0. If theta is equal to 90 degree, then W is equal to FS cos 90, which is again 0. Two conditions hain, ya to ye ya to is condition pe ye 0 hoga. अब इसके एग्जांपल, बहुत बार तुमने ये क्वेश्चन देखा होगा कि कोई कूली है, सर के ऊपर वजन लगा के चढ़ रहा है, तो वर्क डन इज जीरो. वो तो बेचारा काम कर रहा है ना, तो वो कौन से कारण, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क हो रहा है, दैट इज जीरो, राइट. सो हियर यू कैन से दैट अ पर्सन होल्डिंग suitcase on his head and walking on horizontal surface, then the work done by gravitational force is zero. If you see, ये आपका बंदा है, ये यहाँ से यहाँ को डिस्प्लेस के सर पे वजन है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ तक चला गया. ग्रेविटेशनल पुल कहाँ को, नीचे की तरफ को है, सारा वजन जो है नीचे की तरफ को एक्ट कर रहा है. अगर ये इसका खुद का वजन m है, ऊपर इसने वजन m उठाया हुआ, टोटल पूरा कैपिटल m प्लस m इंटू जी नीचे की तरफ है, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ को हो रहा है, तो इसके जो नीचे की तरफ लग रहा है, इधर एंगल कितना है, 90 डिग्री है. सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हियर विल बी जीरो. ठीक है, अब एक तो ये हो गया. दूसरा और एक एग्जांपल क्या दे सकते हैं, तुम अगर मान लो दीवार को धक्का मार रहे हो, पसीना पसीना हो गए, या बहुत बड़ा बक्सा है उसको, इफ़ यू आर पुशिंग और बक्सा हिला ही नहीं, तो फिजिक्स में तो बोल देंगे जी आपने कोई काम नहीं किया, चाहे आपकी पूरी जान क्यों ना निकल गई. सो इफ, या ये कह लो, अ बॉय पुशिंग अ हैवी बॉक्स विद फुल फोर्स बट बॉक्स इज not displaced, in this case work done is zero. तीसरा एक और एग्जाम्पल अभी दिया था मैंने कि if limiting friction FL is greater than applied force, body is at rest. अगर ये ज़्यादा है, आपका ये body है यहाँ पे, this is here, this is the applied force, here this is your limiting friction, जो maximum static friction होता है. अगर ये आपका greater than है F से, तो ये body कैसी होगी, rest पे होगी. ठीक है, तो ये examples आप quote कर सकते हैं. अब depend करता है कितने number का है,
अगर 3 नंबर का क्वेश्चन तो एक 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 एग्जाम्पल भी चलेंगे, और अगर रीजनिंग में आ गया तो आप इसमें से कोई भी एक रीजनिंग पे आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे दिए। अब आते हैं हम नेगेटिव वर्ब पे, ठीक है। तीसरा आ गया आपका बच्चे नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क की बात करते हैं तो वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन, अगर फोर्स कहीं लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है, यानी कि जब भी एंगल। अब इसमें एक चीज अगर आप देखो कि वर्क इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है एफ एस कॉस थीटा। अगर आप इस कॉस थीटा वाला कर्व देखो, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, आप याद रखना है ये, समथिंग लाइक दिस आई हैव टोल्ड यू, 0, 90, 180, 270, दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180, देन 270, देन वी हैव दिस 360, है ना। तो अगर यहाँ पॉजिटिव में है, 90 से आगे गए तो ये नेगेटिव, दिस गोज इन दी, सो वेन एवर एंगल थीटा हियर, वेन एवर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो एज W इज इक्वल टू दिस एंड इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, देन W विल बी इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि cos थीटा की जो वैल्यू है इसमें 90, इससे ये हो जाएगी नेगेटिव वर्क हो जाएगा, ठीक है। यू कैन से या डायरेक्शन इज अपोजिट कह लो, 90 है तब अपोजिट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है, इसी एंगल पर भी है तब भी वो ही आ रहा है, लेकिन इन जनरल व्हाट वी से इज कि जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, 180 पे है cos 180 इज ऑल्सो, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 देन वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ एस cos 180 डिग्री विच इज इक्वल टू एफ एस इंटू -1, सो इट इज -FS, सो वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव, आप इसको नेगेटिव बोलेंगे, इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ दैट ऑफ फोर्स। अब एग्जाम्पल बताओ, पहले वाले में पॉजिटिव का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, उसी को मैं नेगेटिव बना दूंगी, व्हेन बॉल इज, बॉडी भी लिख सकते हैं, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, आप ऊपर की तरफ उसको फेंकते हैं, तो ये आपका बॉल है, ये बॉल आपका गया ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हेन बॉल इज थ्रोन अपवर्ड then the work done by gravitational force is negative because displacement and force, gravitational force, ग्रेविटेशनल है ना, ग्रेविटेशनल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। और बताओ सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, देन इफ इट डिस्प्लेस टू दिस पॉइंट, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, then on application of force F, if body is displaced along x-axis, then the work done by frictional force
काइनेटिक फ्रिक्शनल है ना, एफ के फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स एफ के काइनेटिक, क्योंकि मूव कर रही तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी. वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स विल बी नेगेटिव एज डिस्प्लेसमेंट एंड एफ के आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, इस तरह से अपने एग्जाम्पल्स में. अब एक और एग्जाम्पल मैं दे सकती थी, फर्स्ट वाले में ही देती हूँ. टग ऑफ वॉर खेलते हो तुम लोग स्कूल में, वो एग्जाम्पल. टग ऑफ वॉर में क्या होता है, एक रस्सी सी लेते हैं, खींचते हैं, विनर टीम जिस तरफ होती है उस तरफ को रस्सी चली जाती है. तो अगर इन टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर, इस वाले में देंगे हम वर्क डन बाय लूजिंग टीम, कैसा होगा. लूजिंग टीम विल बी नेगेटिव. क्यों, ये आपका रस्सा होता था ऐसा, जो ये जो विनर है, ये इधर अगर विनर है तो इधर कोई रस्सी जाएगी, लूजर जो है उसकी मूवमेंट इधर को हो रही है, खुद वो फोर्स, यहाँ ये वाला लूजर इधर को फोर्स लगा रहा है, ये इधर को फोर्स लगा रहा है, तो लेकिन खुद जा कहाँ, इधर को रहे. तो इन टग ऑफ वॉर वर्क डन बाय लूजिंग टीम विल बी नेगेटिव एज फोर्स अप्लाइड बाय लूजिंग टीम इज ऑपोजिट टू देयर displacement. ठीक है, ये तो तुम्हारी स्पोर्ट्स डे वाला एग्जाम्पल ले लिया हमने. दिस इज नेगेटिव वर्क था, पॉजिटिव वर्क में एक यहाँ पे मैं और डाल सकती थी. यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल लिख देना, तीसरा यहाँ लिख दूँ. इन टग ऑफ वॉर वर्क डन बाय विनिंग टीम is positive. क्यों, because force applied by winning team and displacement are in same direction. ठीक है, सबके तीन तीनों में. तो आपके एग्जाम में अगर तीन नंबर का क्वेश्चन है और पूरा इसको वर्क को भी डिफाइन किया, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव को किया, तो एक एक एग्जाम्पल से चल जाएगा. ठीक है, डिपेंड कि आपको किस तरह से एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आप उस हिसाब से इसको लेके चलेंगे. अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको, ये तो सिंपल फोर्स जो इस पर जो वर्क डन हम कैलकुलेट करने वाले हैं, वो हर सिंपल केस नहीं हुआ कि हमेशा कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है, कई बार वेरिएबल फोर्स भी लगेगा. वेरिएबल फोर्स वाला केस तो मैं कल लूँ, अगले लेक्चर में लूँगी. अब एक ले देते कार्टेशियन, कई बार कार्टेशियन फॉर्म में भी हम इनको दे देते हैं. सो वर्क डन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो फिर उन्होंने रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर हटा दिया, बस हमने इसके कंपोनेंट्स देखने, तो फिर हमें उसी की मदद चाहिए होगी, उसके तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट्स देखेंगे. सो नाउ वर्क न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये क्वेश्चन ऐसे कोई देगा नहीं कि तुम ऐसे लिख के दो ये क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. सो वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम देखेंगे. वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर components of force and displacement. ठीक है, ना अगर मान लीजिए एफ फोर्स अप्लाई किया किसी बॉडी के ऊपर और वो बॉडी वहाँ से डिस्प्लेस हो गई, ठीक है, ओरिजिन पे थी,
आप ये थ्री डायमेंशनल स्पेस, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, ये लीजिए, ये आपका ये ओरिजिन पे ये आपका बॉल था और यहाँ इसके ऊपर फोर्स लगा दिया और ये बॉडी यहाँ से ये डिस्प्लेस होकर मान लीजिए यहाँ पहुँच गई और यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। इधर पे इसके ऊपर जो फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगा इसके ऊपर, ठीक है, ये आपकी बॉल थी और इसको एफ फोर्स लगाया और वो उसकी अपनी जगह डिस्प्लेस हो गई। दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, दिस इज योर सेट। नाउ एफ जो है फोर्स अप्लाइड एंड ओ ओरिजिनल पोजीशन of ball, p final position of ball with coordinates x y z, आपके ये coordinates हैं, ठीक है। so जो displacement body का हुआ है, this is the displacement s vector, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक चला गया। so this s vector can be written as i x प्लस जे वाई प्लस के जेड, ऐसे लिखते हैं, राइट। एंड फोर्स इन फोर एफ वैक्टर के कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो दिस विल बी योर एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इसको आप ऐसे भी आई एक्स कैप की जगह आप ऐसे भी, दिस कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक ही चीज़ है, प्लस जेड के कैप, जो भी कंप्लीट है। सो द वर्क को जब आप लिखेंगे यहाँ पे, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, वर्क इज योर, वर्क होता है दिस फोर्स वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो फोर्स वाले कंपोनेंट आप लिख दोगे इसमें एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट एक्स i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल, वहाँ पर आप चैप्टर नंबर 4 पे डॉट प्रोडक्ट्स की जो वीडियोस हैं उसको ज़रूर देखेंगे। हाँ, मैंने आपको बता दिया था, जब भी कोई दो आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, सब भी मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, अगर कोई वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी करना है तो आपको पता है आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, दिस इज इक्वल टू 1 आ रहा था, बाकी इसमें 0 हो जाता, तो आप डायरेक्ट लिखते ए डॉट बी विल बी रिटन एज ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, इस तरह से करना है। तो यानी कि आई वाले को आई के साथ, वाई जे वाले को जे के साथ, आई आई जे जे के, तो दिस विल बी डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते एफ एक्स इंटू एक्स प्लस एफ वाई वाई, इस तरह से भी लिखा कई बार, इसको देखने में एक्स एक्स पास पास आ रहा था, इसको ऐसे नहीं लिख के हम ऐसे लिख देते हैं एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड, आई वाले को आई के साथ, जे के साथ, के वाले को के साथ। सो दिस इज द वे वी डू, ऐसे आपको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी, मतलब आपको कांस्टेंट फोर्स दे दिया तो आपको उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। अगर एंगल दिया हुआ है, इसमें देखो आपको अगर एंगल दिया है तो आपको पता है वर्क इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, एंगल दिया तो आप ये फॉर्मूला लगाओ। अगर इसमें ये फॉर्मूला तभी है जब कांस्टेंट फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल जो फॉर्मूला, दिस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेने वाली हूँ जब वेरिएबल फोर्स होगा, तो वेरिएबल फोर्स में हम उसको इंटीग्रेशन के इससे करेंगे। अगर आपको ऐसे कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, तो आपने सिंपल डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ये एक न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, और व्हेन द फोर्सेस योर वेरिएबल फोर्सेस देयर, तो इंटीग्रेशन की इंट्रोडक्शन होगी और न्यूमेरिकल्स होंगे। सो दैट वी विल डू इन द पार्ट 2, दिस इज वर्क पार्ट 1। आप इसमें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जब भी मेरी वीडियो सुनते हैं उसको पॉज करके फिर लिखो, पहले सुन लो मैडम क्या एक्सप्लेन कर रही है,
क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे तो सीधे सोचते हैं कि जैसे पेज पूरा मैडम ने लिख दिया वहीं पे वीडियो को रोको और लिखना शुरू कर दो. दैट इज़ वेरी रॉन्ग हैबिट. आप इनको प्रॉपरली सुनो, सुनते सुनते आप रफ हैंड से बना लो जाए एंड देन मेक द नोट्स. ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.